उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जगजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। साथ ही इस अभियान में सेना भी राज्य सरकार की सहायता कर रही है। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर सहित लगभग 7 हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालने में लगाए गए हैं। वहीं एक बार फिर से उत्तराखंड के मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर जारी हुए अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गया है। इस वक्त प्रदेश में जगह जगह राहत बचाव कार्य जारी है। अगर तेज बारिश होती है तो राहत बचाव कार्य कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। फिलहाल बारिश की चेतावनी जारी करते वक्त मौसम विभाग ने प्रदेश में यात्रा करने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है। केदारनाथ के सोनप्रयाग में बादल फटने से पैदल आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। इसको सही करने के लिए सेना ने कमाल संभाल ली है। सेना के करीब 418 इंजीनियर सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के ऊपर पैदल ब्रिज बनाने में जुटी है ताकि रास्तों को फिर से शुरू किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।